देखिए, जो 14 दिसंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो सर्वे का आदेश दिया था, आज उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया। अब जैसे जो पहले डेट थी वो 9th को थी, पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठने की वजह से हेयरिंग नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट ने ये भी अपॉइंट मुस्लिम पक्ष ने ये भी अपनी आपत्तियां जताई कि 7-11 की एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है। तो आज सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, सिर्फ उस पर ही कुछ समय के लिए रोक लगाई है, जिसमें जो नेक्स्ट हियरिंग है वो अब 23 दिसंबर को होगी। और देखिए, कुछ ऐसी टेक्निकल ग्लिचेस थी जिसको अब शायद हिंदू पक्ष को भी उसमें रेक्टिफाई करने का मौका मिल जाएगा। और दूसरा, हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जो ट्रायल चल रहा है हाईकोर्ट में, उसमें किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, जो मुकदमा है वो एज इट इज चलेगा। और देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान और एक कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलता है, और हर पक्ष को अपनी बात को रखने का पूरा मौका हमारे संविधान ने दिया है, तो वो सब उसका उपयोग कर रहे हैं। सर्वे को लेकर ऑब्जेक्शन उठाएगा तो उसको लेकर? जी बिल्कुल, जो 14 दिसंबर को उच्च न्यायालय का जो सर्वे का आदेश था उसको चैलेंज किया था मुस्लिम पक्ष ने, और अभी कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। अब आगे मैम क्या कुछ होना है? अगली तारीख पे अगली जो डेट है वो 23 जनवरी की है। तो इसमें अब जैसे हिंदू पक्ष को नोटिस इशू हुआ है, तो उसमें जो भी शॉर्टकमिंग्स रही है टेक्निकल, तो वो अब हम उसमें आगे उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पेटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। मेरा ऐसा मानना है कि ये इसलिए है कि जो 50 साल तक एक इशू जो सेटल हो चुका था अदालत से, उसमें जो अपने आप को भक्त बताते हैं और नेक्स्ट बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, वो 50 साल तक सोए रहे, फिर सडनली 2021 में उनकी एक बार आँख खुली, तो ये नींद से जाग के जो आँख खुली, मेरा ऐसा मानना है उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है इनको।